नमस्कार, मैं उत्तरस्वी और आप देख रहे दी ऑर्डरिंग। टेनिस स्टार का वीजा रद्द होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम और सर्बिया के राष्ट्रपति की लड़ाई। नोवाक जोकोविच के 10वें ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब के लिए खेलने का मौका गुरुवार 6 जनवरी को तड़के तब भटक गया जब देश ने उन्हें प्रवेश से वंचित कर दिया और उनका वीजा रद्द कर दिया क्योंकि वे कोविड 19 टीकाकरण नियमों में छूट की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहे। शीर्ष क्रम के जोकोविच विक्टोरिया राज्यसभा सरकार से छूट प्राप्त करने के बाद बुधवार देर रात ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जो उन्हें इस साल के पहले बड़े टेनिस टूर्नामेंट के लिए आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहे। स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हंट ने कहा कि वीजा रद्द करने के बाद सीमा अधिकारियों द्वारा जोकोविच की चिकित्सा छूट की समीक्षा की गई, जिन्होंने ईमानदारी और इसके पीछे के सबूतों को देखा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। श्री जोकोविच का वीजा रद्द कर दिया गया है, नियम नियम है, खासकर जब यह हमारी सीमाओं की बात आती है। मॉरिसन ने ट्विटर पर पोस्ट किया कि कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है, हमारी मजबूत सीमा ऑस्ट्रेलिया के लिए महत्वपूर्ण रही है, जहां कोविड से दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर है, हम सतर्क रहना जारी रखे हुए हैं। हंट ने कहा कि जोकोविच फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अगर वीजा रद्द कर दिया जाता है तो किसी को देश छोड़ना होगा। ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने बताया कि जोकोविच की टीम ने गलत प्रकार के वीजा के लिए आवेदन किया था। जोकोविच को ऑस्ट्रेलिया ओपन में खेलने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया था। उन्होंने अतीत में टीकों के खिलाफ बात की है और लगातार ये स्वीकार करने में इनकार कर दिया है कि क्या उन्हें कोरोना वायरस के खिलाफ कोई शॉट मिला। जोकोविच वीजा के साथ एक संभावित मुद्दे की अटकली तब सामने आई जब जोकोविच पारगमन में थे और संघीय राज्य के संसदों के मिश्रित संदेशों के साथ बढ़े। सोशल मीडिया पर जोकोविच का रहस्यवाचन की वे रिकॉर्ड 21 के प्रमुख किताब की तलाश में ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। आलोचकों ने सवाल किया कि छूट के लिए उनके पास क्या आधार हो सकता है और समर्थकों का तर्क है कि उन्हें कोपने की स्वतंत्रता का अधिकार है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।